ओम शांति। मेरा नाम कोमल है और मैं फरीदाबाद से हूँ। वैसे तो मेरे बहुत अनुभव हैं बाबा की मदद के, लेकिन मैं एक बहुत ख़ास अनुभव शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा जो अभी 5 महीने का है, जब ये पैदा हुआ तो 2 दिन के लिए डॉक्टर ने इसको NICU में रखा। कुछ छोटे छोटे इश्यूज थे, मेडिसिन दी और वो ठीक हो गए। 1 सवा महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन वो रात में डर जाता था या चौंक जाता था। मतलब जैसे ही उसकी आँख लगती थी एकदम से चौंक जाता था और उसकी नींद खुल जाती थी, और ऐसा पूरी रात और पूरे दिन चलता था। मेरे बेटे को नींद तो बहुत आती थी, लेकिन ये झटके उसको सोने नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट रहने लगा। और इतने छोटे बच्चा जो कि अभी सिर्फ 2 महीने का ही था, कम से कम उसको 15-16 घंटे सोना चाहिए, वो मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही सो पाता था। और डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को 15-16 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, नहीं तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा और अपने माइलस्टोन्स को वो अचीव नहीं कर पाएगा। अब घर में सब परेशान रहने लगे कि बच्चे की नींद कैसे पूरी करवाई जाए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक बार हम डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, कुछ इश्यूज़ हैं तो डॉक्टर उनको सॉल्व कर देगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद भी डॉक्टर हैं तो उन्हें पता है कि इसका ट्रीटमेंट इतने छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे ब्रेन मैपिंग और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, और उनकी मेडिसिंस हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें सिर्फ भगवान की ब्लेसिंग्स की हमें ज़रूरत है, वही इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो उन्होंने थोड़ी रिसर्च की कि बच्चे की नींद कैसे पूरी कराई जाए। फिर हस्बैंड ने बेटे को अपने पेट के ऊपर लिटाना शुरू किया, जिससे ये होता था कि जब उसे झटके आते थे तो वो ज़्यादा हिल नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसकी नींद नहीं खुलती थी। यह रूटीन उसका सारी सारी रात और सारे सारे दिन रहता था, और मेरे हस्बैंड पूरी पूरी रात जागकर उसको अपने ऊपर लिटाकर थपथपाते रहते थे और बिल्कुल भी सोते नहीं थे, और दिन में भी यह रूटीन उसका फॉलो होता था, जिसको या तो मैं या मेरे फादर इन लॉ करते थे। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी ही बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए, और उस 9 महीने में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आए मुझे, लेकिन बाबा ने एक एक कॉम्प्लिकेशन को ऐसे पार करा दिया जैसे कुछ था ही नहीं। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी टाइम में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मैं वॉम्ब में ही अपने बच्चे को शकास देती थी कि ये आत्मा बहुत प्यारी आत्मा है, इस आत्मा का ब्रेन बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, इस आत्मा का हार्ट बहुत हेल्दी है, इस आत्मा का तन और मन पूरी तरह स्वस्थ है। इस तरह का मेडिटेशन मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम में सुबह और शाम में करती थी, और बेटे होने के बाद भी इस मेडिटेशन को मैं कंटिन्यू करती रही। और अब बेटे को नींद वाली समस्या हुई तब भी मेडिटेशन करती रही। इसमें 2-3 अफर्मेशन मैंने और ऐड कर दी, जैसे कि ये आत्मा पूरी रात बहुत आराम से सोता है, इसके तन और मन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है, बाबा का सुरक्षा कवच इस आत्मा के चारों ओर है जिसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। इस तरह बाबा से किरणें लेकर अपने बेटे को देती रही और विजुलाइज भी करती रही, और मन ही मन बाबा से पूछती भी थी, बाबा मेरा बेटा ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह है ना? तो बाबा की तरफ से हमेशा यही जवाब आता था कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। और एक दिन बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। एक दिन मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लोग की तबीयत ख़राब हो गई, दोनों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और हस्बैंड बोले, कोमल आज तुम्हें ही मैनेज करना है। मैं बहुत घबराई हुई थी कि मैं अपने बेटे को कैसे सुलाऊंगी। फिर मैंने बाबा से बात की, बाबा यह आत्मा आपकी ही देन है, आपकी ही संतान है, आपको ही संभालना है, अब बाबा आपकी जिम्मेदारी है इसकी नींद पूरी कराना। बस इस तरह बाबा से बात करके मैंने अपने बेटे को नीचे बेड पर सुला दिया और मैं भी उसी के पास सो गई। आप यकीन मानिए, उस रात मेरा बेटा पूरी रात बहुत अच्छे से सोया और सिर्फ दूध पीने के लिए 2 बार उठा और फिर दूध पीकर फिर सो जाता। जो बेटा पिछले 2 महीने से सो नहीं पाता था, आज वो पूरी रात बेड पर बहुत आराम से सोया, कोई डरा नहीं, कोई झटके नहीं, कोई चौंकना नहीं। आज मेरा बेटा 5.5 महीने का हो गया है।
और बहुत आराम से सोता है, चाहे दिन हो या रात। वाह बाबा वाह, कैसे मैं आपका शुक्रिया करूं बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। आपने जैसे मेरी मदद की बाबा, मैं चाहती हूँ ब्रह्मांड की सभी आत्माओं की ऐसे ही मदद करो। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।